आईडी इवेंट कंपनी ने अपने आने वाले शो दिल्ली स्टार किड्स सीजन 2 के ऑडिशन लिए, जिसमें दिल्ली एनसीआर के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। शो के आयोजक गौरव बोध ने बताया, हमारा शो करवाने का एक ही लक्ष्य होता है, हम इन छोटे छोटे बच्चों को एक मंच प्रदान कर सके जिनको इनकी जरूरत है। हाय, दिस इज गौरव फ्रॉम एलआईडी इवेंट्स। आज जो है हम लोगों ने दिल्ली स्टार किड्स के ऑडिशंस करवाए हैं, फर्स्ट ऑडिशंस हैं। काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, काफ़ी सुंदर सुंदर छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे हैं। और बेसिकली दिल्ली स्टार किड्स का सीज़न 2 है, ये सीज़न 1 ऑलरेडी हो चुका है। ये दिल्ली और एनसीआर से हैं, एनसीआर के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। बेसिकली थ्रू दिल्ली स्टार किड्स ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर बच्चे अपना टैलेंट परफॉर्म करते हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, और आगे फिर फ्यूचर में इन लोगों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हम साथ में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि काफ़ी लिंकअप्स हम करते हैं टीवी कमर्शियल्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, या फिर शॉर्ट मूवीज़ के लिए, और वहाँ पर बच्चों को चांस प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। दिल्ली स्टार किड को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इट्स बीइंग सेकंड सीज़न, दूसरा सीज़न है, और अभी फर्स्ट सीज़न में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों के पास था, उसी को रख के थोड़ा और मॉडरेट करके दिल्ली स्टार किड सीज़न 2 हमने लॉन्च किया है। बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, इनफैक्ट बड़ों से अगर हम मिस्टर एंड मिस कैपिटल से हम कंपेयर करें तो छोटे बच्चों के साथ में टैलेंट आपको काफ़ी देखने को मिलता है, और काफ़ी मतलब सीखने के लिए उन बच्चों से भी, और अब बच्चों को सिखाने के लिए भी हम लोगों के पास काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं। पेरेंट्स के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को आगे तक का ध्यान रखना चाहिए, लाइक दिस इज़ नॉट ओनली द थिंग, मतलब सिर्फ हम लोग सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी उतना ही कंसर्न दिखाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी, और बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उस फील्ड में जाने दिया जाए। हाई, आई एम सियानंद सहगल एंड आई एम एन इमेज कोच बाय प्रोफेशन। आज के ऑडिशन सीजन 2 के ऑडिशंस है एंड दिल्ली स्टार किड्स के हैं। बहुत ही अच्छे ऑडिशंस जा रहे हैं अभी तक, फर्स्ट बैच अभी हमने लिया है ऑडिशंस का। बहुत ही एडोरेबल एंड जॉयफुल बच्चे आए, उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबसे अच्छी बात कि उनको इस फील्ड के बारे में पता है, जैसे हम बड़ों का भी जब लेते थे तो उनमें से भी कुछ लोग जो थे उनको इतना नहीं पता था फील्ड के बारे में, बट यहाँ पे सब लोग बहुत मोटिवेटेड है और उनका एक ही आंसर रहता है, आई वॉन्ट टू बी अ सुपर मॉडल और आई वॉन्ट टू बी अ हीरो। सो दैट इज़ समथिंग रियली गुड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में ग्रुप के साथ करके और स्कूल में ही बस रह जाते हैं बच्चे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनको दिया जाए। सबके लिए मैसेज बच्चों के लिए यही रहेगा कि जो जिस मोटिवेशन से वो आए हैं उसको और इंक्रीज करके एंड तक वो बनाए रखे, एंड पेरेंट्स के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस एज में बच्चों को सपोर्ट पेरेंट्स ही करते हैं। एंड देन आई थिंक पेरेंट्स बहुत अच्छे आए हैं इस बार, सारे बहुत सपोर्टिंग हैं, मोटिवेटिंग हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इस फील्ड में एंटर हो। सो या, गुड लक। हाय, आई एम मुस्कान, आई वन मिसेस बेस्ट वॉक इन सीजन 1, मिस्टर एंड मिसेस कैपिटल, एंड नाउ आई एम हेयर टू जज द सीजन 2 ऑफ दिल्ली स्टार किड्स। बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना टैलेंट शो करें, बिकॉज स्कूल में सिर्फ एनुअल डेज वगैरह होते हैं, तो यहाँ एक्चुअली वो एक रियलिटी को फेस करेंगे कि कैमरे के सामने एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबके अंदर एक अपना टैलेंट होता है, बस पेरेंट्स मोटिवेटिंग हो तो बच्चा बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो वही है कि अब बस अपने पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो तो अपने आप बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चे तो बहुत टैलेंटेड थे, सब बहुत टैलेंटेड थे, सबको पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस कुछ कुछ थे जो थोड़े बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थे, तो बस वही है कि तो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे तो अच्छे से करेंगे। माय नेम इज किरण, आई एम इन हाउस वाइफ, माय सन गोइंग टू परफॉर्म हियर। अच्छा लग रहा है, अगर कुछ स्कोप है आगे तो मैं तो कोशिश करूँगी कि वो आगे जाए, और जो भी कुछ होगा यहाँ पे क्लासेस हम लेके आएंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। साइड चौथी अच्छा है, लेट्स सी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छी बात है, इससे नए टैलेंट्स आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं कि उनके बच्चे आगे जा रहे हैं। एक्सेट माई नेम इज इंदू, माई चाइल्ड नेम इज यथाचुग एंड ही इज कम हियर फॉर द ऑडिशंस, एंड माई बिजनेस वुमन, एंड वी हैव अ मेडिकल शॉप। ऑलरेडी वो बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, तो उसका टाइम स्केड्यूल ऐसा है कि वो और चीज़ें भी कर सकता है, वो स्केटिंग करता है, वो गिटार करता है, तो वो टाइम बैलेंस कर लेता है, इट्स ईजी फॉर हिम। नाइस, अच्छा है, बच्चे को आगे बढ़ावा देने की है, वो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो जो भी करना चाहें वो आगे, काफ़ी सारे उनके पास कोशिश करने के लिए हैं चीज़ें। हेलो, माई नेम इज शिखर, I'm 11 years old. I'm in class 6th. I'm in Bluebell School International. मैं विश करता हूँ कि मैं इसमें पास हो जाऊँ और मेरा रिजल्ट अच्छा है
और मैं इसमें आगे बढ़ूँ। माय नेम इज़ सुधीर चुग, माय चाइल्ड नेम इज़ यथार्थ चुग। आज ऑडिशन ये कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के टाइम में, जो बच्चे नहीं भी कर सकते वो करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ओपन चैलेंज है। उस देखिए जैसे आप मान गए, जैसे आज हम यहाँ पर आया तो ये इन्हीं जगहों से बच्चे बाहर निकलते हैं जो टैलेंट को पहचानते हैं और आगे उसको ग्रूम करके बाहर लेके जाते हैं। हमारे दोनों प्रायोरिटी है, स्टडी पे भी फोकस रहेगा और जो उसका टैलेंट है उसमें मेनली फोकस पे रहेगा, क्योंकि वो उसके इंटरनली हुए टैलेंट जिसको ग्रूम करना चाहता है, तो हम चाहते हैं उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, स्टडी तो चलती रहेगी साइड बाय साइड, हम चाहते हैं उस पर भी अच्छा परफॉर्म करें, इस पर भी करें। माय नेम इज़ अविका सक्सेना, आई एम 12 इयर्स ओल्ड, आई एम फीलिंग वेरी गुड डांस में। क्या बात है, पॉजिटिव वाइब्स आ मिली है अभी तो, जजेस ने भी अच्छा बोला है, डिपेंड्स ऑन जजेस के आगे क्या होता है, अभी तो अच्छा लग रहा है और जितने रिव्यूज़ देखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो होप्स अच्छी हैं आगे कि आगे अच्छा ही होगा जो भी होगा। माय नेम इज़ अध्ययन गर्ग, आई स्टडीड फोर्थ क्लास, माय स्कूल नेम इज़ अदाशला विद्यापीठ। ठीक है सर, पहली बार आए हम तो उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ आगे कुछ है। अच्छा है, हमने फर्स्ट टाइम ही देखा एक्चुअली में, तो अच्छा है कुछ उन्होंने बताया कि क्या कमी है तो वो इम्प्रूव करेंगे कि भाई बच्चे में क्या कमी है, उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा ध्यान दे, बाकी तो ठीक है, थोड़ा सा बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। अच्छा है, बच्चों के लिए स्कोप है, अगर बच्चे में टैलेंट है तो ये एक फील्ड बच्चों को मिली हुई, जैसे हम लोगों के टाइम पे इतना नहीं था कि हम आजकल बच्चों के लिए है, यही जरिए है कि आगे बढ़ने के इन लोगों के लिए, तो अगर ये कर सकते हैं तो करना चाहिए, अगर इन्हें मिल रहा है तो इन्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से।